नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे, आज इंतजार कर रहे थे, आखिर आप लोगों का बीटीयूपी का रिजल्ट नहीं जारी किया गया। और यहाँ पर साथियों, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों का रिवेल्युएशन का जो भी आप लोग फॉर्म फिलअप किया हुआ था, उसके लिए आप लोगों का फीस रिफंडेबल का ऑप्शन जो है वहां पे आ चुका है। आप लोग जो है अपना फीस जो है रिफंड जो है यहां पर कर सकते हैं। जी हां साथियों, क्या कर सकते हैं आप लोग, अपना फीस को रिफंड कर सकते हैं, उसको लिए फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी यहां पर जो भी आप लोगों का अपडेट है, इस प्रकार से इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालकर आप लोग अपना फीस रिफंड ले सकते हैं, जिसकी डेट जो है आप लोगों को 19 तारीख तक तय की गई है, यानी कि आप लोगों का 13 तारीख से लेकर आप लोगों का जो है 19 नवंबर तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको हमने बताया हुआ था, ये पोर्टल खुल भी चुका है, आप लोग यहाँ से अपना जो है चेकआउट कर सकते हैं। जिनका फीस ज़्यादा कटा हुआ है, आपकी फीस कितनी कटी हुई है ये आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिन्होंने साथियों आप लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट के बारे में, तो साथियों अभी आप लोग रिजल्ट आने में समय लगेगा। समय किस लिए लगेगा साथियों, चाहे आप जो है डिफार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हों, या आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि साथियों इस चैनल पे हम आपको बीटीयूपी, डिफार्मा, पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं, जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करते रहते हैं। फिर भी आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे, अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाया जाएगा। और साथियों आप लोगों का रिजल्ट के बारे में बता दें, साथियों आप लोगों का रिजल्ट जो कि है अभी नहीं आने वाला है किसी कारणवश, ये मौसम की तरह डेट पे डेट मिली जा रही है। साथियों जावेद मुस्तफा सर का ट्वीट भी आ चुका है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप लोगों को लिए ट्वीट किया गया है। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जावेद मुस्तफा सर का ट्वीट आ चुका है। साथियों पॉलिटेक्निक में रिजल्ट की डेट मौसम की तरह बदलती है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मतलब अब रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पर, और मुझे अब 14, 15, 16 नवंबर को भी रिजल्ट आने की कोई उम्मीद नहीं है। अब इस हफ्ते रिजल्ट ना आकर अगले हफ्ते रिजल्ट 19 या 20 नवम्बर तक आएगा। यहाँ पर साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किसी कारणवश आज रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अब आपको उम्मीद नहीं रखनी है, उम्मीद करनी है कि अगले हफ्ते में 19 या 20 तारीख को आप सभी छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मान लीजिए साथियों 20 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया, और बहुत सारे स्टूडेंट को पासिंग मार्क के बारे में नहीं कंक्लूड कर पाते हैं, तो साथियों आपका सेशनल एग्जाम जो होता है 20 नंबर का, 80 नंबर का थ्योरी का होता है, टोटल मिला के तब जाके 100 नंबर होता है, दोनों मिलाकर आपके अंक जो है साथियों 40% प्राप्त करना अनिवार्य है। जब तक आप लोग 40% नहीं पाएंगे, तब तक आप पास आउट नहीं होंगे। तो अपना परसेंटेज मिलाने के लिए आसान तरीका है, आप लोग अपना 40% पाएंगे तभी आप लोग पास आउट हो जाएंगे। जो लोग पास आउट हो जाएंगे, आप का मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए बात करते हैं, तो साथियों मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप सभी छात्रों का जो है जारी कर दिया जाएगा। लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, यानी 20 नवंबर तक रिजल्ट आता है तो जनवरी में जाकर आप सभी छात्रों का जो है मार्कशीट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। ये थी साथियों आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।